हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत शहर धार में स्थित धार किले के बारे में। इस किले से एक नहीं बल्कि कई राजवंशों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ यह किला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा था। धार शहर के भीतर स्थित है धार का किला। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से यह केवल 63 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ऐतिहासिक शहर महेश्वर भी लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो मूल रूप से इस किले को परमार वंश के राजा भोजदेव ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच बनवाया था। उस समय इस किले को धारागिरी लीलोद्यान के नाम से जाना जाता था। इस किले से कई परमार राजाओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं। परमार शासकों द्वारा बनवाई गई सीढ़ीनुमा बावड़ी भी आज भी इस किले में मौजूद है। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। खिलजी के सेनापति एनुअल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसने परमार शासक महलदेव की हत्या कर दी। इस तरह परमार वंश का अंत हो गया। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, जिस कारण से यह किला तबाह हो चुका था। तुगलक वंश का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया, इतिहास जिसे सन की पागल और स्वप्नशील कहता है। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह कुछ महीने इस किले में रुका। 1344 ईस्वी के आसपास इस किले का उसने मरम्मत करवाया और कई दुर्ग महल जैसी अलग अलग संरचनाओं का निर्माण भी करवाया। यह किला एक आयताकार संरचना वाली पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले को बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया था। इस किले में हिंदू, इस्लामी और अफगानी स्थापत्य शैली का मिश्रण दिखाई पड़ता है। यह किला लगभग 60 मीटर ऊंचाई पर है। किले के भीतर एक महल है जिसका नाम खरबूजा महल है, क्योंकि इसका आकार खरबूजे के जैसा है। किले के ही भीतर खरबूजा महल के अलावा शीश महल और विश्राम भवन भी है। इस किले से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि 1775 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म इसी किले में हुआ था। 1857 जब स्वतंत्रता संग्राम की लहर भारतवर्ष में व्याप्त थी, तब यह किला भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों ने 4 महीने तक इस किले पर कब्जा किया था। 6 दिनों तक अंग्रेजों ने लगातार इस किले पर बमबारी की थी, लेकिन तब स्वतंत्रता सेनानी एक खुफिया रास्ते से इस किले से जा चुके थे। किले के एक द्वार पर औरंगजेब के शासन के समय की और शाहजहां के सौतेले भाई असगर बेग के प्रशासन के दौरान का शिलालेख मौजूद है। जब औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच युद्ध हुआ था, तब युद्ध में हार कर दारा सिकोह ने इस किले में ही शरण ली थी। आज के समय में यह किला खंडहर सा हो गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा समय समय पर इस किले की मरम्मत कराई जाती है। धार का किला अपने आप में भारत के इतिहास और संस्कृति को सजोए हुए है। न जाने कितने राजवंशों की कहानियां इस किले में आज भी बंद है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।